काला पानी की सजा, अंग्रेजों के जमाने की एक भयंकर सजा, जिसका नाम सुनते ही कैदी थर थर कांपने लगते थे। यह एक ऐसी सजा थी जिसके बदले कैदी मौत मांगने लगते थे। दरअसल उस जमाने में आजादी की चाह रखने वाले क्रांतिकारियों को ऐसी कठोर सजा दी जाती थी। यहाँ लाए गए कैदियों का सर हड्डियों का ढांचा हो जाता था। यहाँ जो कैदी जिंदा रह जाते थे वह तिल तिल कर मरते थे, वहीं जो मरना चाहते थे उन्हें तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था। समुद्र के बीच में बनी सेलुवर जेल में कैदी मौत से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। आंकड़ों की माने तो सेलुवर जेल में करीब 80,000 कैदियों को लाया गया था, जिनमें से मात्र 30,000 कैदी ही अपने सर जमी पर जिंदा लौट पाए थे। मगर 50,000 कैदियों का क्या हुआ, आज तक इसका पता नहीं चल पाया। आइए जानते हैं काला पानी की सजा क्या होती है। इसका नाम सुनते ही कैदी क्यों कांपने लगते थे। अंग्रेजों ने सेलुवर जेल का निर्माण समुद्र के बीचों बीच में करवाया था, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि आजादी के लिए लोगों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस काला पानी जेल के बारे में। दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उनका मनोबल तोड़ना चाहती थी। अंग्रेजों का मानना था कि इन्हें ऐसी जगह रखा जाए जहां इन्हें ना तो कोई देख सके और ना ही कोई हमारा विरोध कर सके। दरअसल इसके लिए अंग्रेजों ने भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच अंडमान और निकोबार द्वीप को चुना था। दिन था 10 मार्च 1858 का। अंग्रेजी हुकूमत ने करीब 10,000 क्रांतिकारियों को जहाज में बिठाकर पहली बार अंडमान और निकोबार द्वीप की ओर रवाना कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो लोग एक सुनसान द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ मगरमच्छ, सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़ों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। यहां की पथरीली जमीन और घनी झाड़ियों को देखकर कैदियों के पसीने छूटने लगते थे। यहां सबसे पहले कैदियों द्वारा जंगलों को काटकर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कमरे बनवाए गए। यह काम कैदियों के लिए इतना मुश्किल था कि इसे करते करते कई कैदियों ने अपनी जान गंवा दी थी, क्योंकि ज्यादातर कैदियों को अपने हाथों से ही सभी पत्थरों को हटाना पड़ता था। इस दौरान कई जहरीले सांप और बिच्छू उन्हें काट लिया करते थे, जिसका कोई इलाज नहीं हो पाता था। कई लोग मलेरिया जैसी बीमारियों से भी मारे गए थे। इसके अलावा कैदियों के लिए वहां रहने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, उन्हें जमीन पर ही रात बितानी पड़ती थी। धीरे धीरे यहाँ कैदियों की जनसंख्या बढ़ती रही। साल आता है 1996 का, शुरू होता है खतरनाक सेलुवर जेल का निर्माण। सबसे पहले अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जेल के बीचों बीच में ऊंचा टावर बनाया जाता है। इस पर बड़ा घंटा लगाया गया, जिसे खतरे के वक्त बजाया जा सके। फिर शुरू होता है इसके आसपास 7 शाखाओं वाली सेलुवर जेल का निर्माण। बड़े ताज्जुब की बात है कि इस जेल का निर्माण वे कैदी ही कर रहे थे, जिन्हें थोड़े दिनों के बाद इसी जेल में कैद होना था। हर एक शाखा 3 मंजिल की बनाई गई थी। अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ रहने वाले कैदी आपस में कभी भी मिल ना पाए। इसके लिए उन्होंने इस जेल में 700 अलग अलग सेल बनाए थे। प्रत्येक सेल 4.5 फीट बाय 2.7 फीट का था। हर एक सेल के 5 फीट ऊंचाई पर एक खिड़की बनाई गई थी। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि कोई भी कैदी कूद कर भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि जाएगा तो कहां जाएगा, क्योंकि जेल के चारों ओर विशाल समुद्र ही समुद्र था। इस जेल का भवन लाल ईंटों से बनाया गया था, जो कहते हैं कि परम देश से मंगाई गई थी। इस जेल के मुख्य द्वार पर इतने खतरनाक हथियार रखे थे,
कि जिनको देखकर कैदी पहली बार में ही सहम जाता था। दरअसल उस जमाने में 5 लाख से अधिक लागत वाली इस जेल में आजादी की चाह रखने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों पर बड़े जुल्म ढाए गए थे। उन्हें भयंकर यातनाएं दी जाती थीं, क्योंकि वह क्रांतिकारी जिंदा रहने के लिए भी तरस जाएं। यहां हर एक कैदी को रोजाना कोल्हू के बैल की तरह नारियल पेरना पड़ता था। अगर कोई कैदी ऐसा नहीं कर पाता था तो उसे कोड़ों से बुरी तरह से पीटा जाता था। इसके अलावा रस्सी बनाना, चक्की चलाना, लगातार नारियल छिलवाना आदि कई काम करवाए जाते थे। यदि कोई कैदी लापरवाही कर देता तो उसको हथकड़ी लगाकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया जाता था। उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता था और जेल के बने ऊंचे टावर से इन कैदियों पर नजर रखी जाती थी। फिर भी कोई कैदी अगर जेल का उल्लंघन करता पाया जाता था तो उसको कई दिनों तक खुरदा पहना दिया जाता था, जिसको पहनकर कैदी चलना तो दूर हिल भी नहीं पाता था। उसका शरीर पूरी तरह से छिल जाता था। ये यातनाएं इतनी भयानक हुआ करती थी कि इससे कैदी शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते थे। यहाँ अलग अलग कैदियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें अपनी सेल में ही जाना पड़ता था। उन्हें 2 प्लेट दी जाती थीं, जिसमें से 1 प्लेट का वह खाना खाने के लिए और दूसरी का नहाने के लिए उपयोग करते थे। सर्दी हो या गर्मी, उन्हें नीचे ही सोना पड़ता था। यहाँ रहते अगर कैदी मर जाता तो उसके शरीर को पत्थर बांधकर बाहर समंदर में फेंक दिया जाता था। वैसे तो यहाँ की दर्दनाक यातनाओं से तंग आकर कैदी कई बार भागने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वे भागने में नाकाम हो जाते थे। साल 1868 के दौरान यहाँ की भयंकर सजा से बचने के लिए एक साथ 238 कैदियों ने यहाँ से फरार होने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही समय में सभी को पकड़ लिया गया। वे जानते थे कि पकड़े जाने के बाद उनके साथ क्या होगा, इसीलिए उनमें से कुछ कैदियों ने समंदर में कूदकर अपनी जान दे दी थी। 87 कैदियों को अंग्रेज अफसर जेपी ओकर ने फांसी की सजा दे दी थी, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसके बाद भी साल 1872 में मेहताब और चेतन नाम के 2 कैदी यहां के अधिकारियों को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे थे। उन्होंने यहां की ही लकड़ियों को काटकर उनकी नाव बना ली थी, जिस पर वे बैठकर कई किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके थे। मगर तभी उन पर एक ब्रिटिश जहाज की नजर पड़ी और उन्हें फिर से कैद कर लिया गया। यहाँ के ही एक कैदी और स्वतंत्रता सेनानी अल्मा खैराबादी ने सजा काटते हुए बयां किया था, यहाँ की जेल कोठरी में दर्द और दुख ही भरे हैं। हवा बदबूदार थी और यहाँ बीमारियों का खजाना है। यहाँ रहने वाले कैदी के शरीर पर कई घाव हैं, जिनका कोई भी इलाज नहीं है। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की मुसीबत की बराबरी नहीं कर सकती। हमारा शरीर घाव से छल्ली हो चुका है। दोस्तों, ऐसा लिखने वाले खैराबादी की भी वही जेल में मौत हो जाती है और उन्हें वहीं दफना दिया जाता है। जेल की इन यातनाओं से तंग आकर या तो कैदी पागल हो जाता या फिर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते थे। ऐसे ही एक कैदी थे इंदू भूषण राय, जो इन यातनाओं से तंग आकर अपने फटे हुए कुर्ते से ही फांसी पर लटक गए थे। कहते हैं कि यहाँ खराब व्यवस्थाओं को लेकर कैदियों ने भूख हड़ताल की थी, लेकिन जालिम अंग्रेजों ने उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाकर भूख हड़ताल खत्म कर देते थे। कहते हैं कि ऐसे ही जबरदस्ती खाना खिलाने से 3 कैदियों की मौत भी हो गई थी। फिर अंग्रेजों ने उनके शरीर में पत्थर बांधकर वहीं सबके सामने समंदर में फेंक दिया, लेकिन बाद में कैदियों के आंदोलन के चलते भारत के दबाव के कारण साल 1945 में इस जेल को बंद कर दिया गया। यहां के कैदियों को भारत के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया था, लेकिन अफसोस इससे पहले ही 50,000 से अधिक कैदियों ने सेलोवर जेल में ही अपना दम तोड़ दिया था। आज भी यह जेल खंडर के रूप में मौजूद है, जिसकी दीवारों पर कैदियों द्वारा लिखे गए हर एक शब्द अभी भी हैं और उस समय की खौफनाक तस्वीर बयां करते हैं। तो दोस्तों, आप सेलोर जेल के बारे में क्या जानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।